डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में आया था। तो इसके अंदर ये दिया है कि हमें डेसिमल नंबर है 17, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास बाइनरी हो, बेस यानी कि 2 हो, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ऑक्टल हो तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए, हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले करेंगे, 8 पे 2 8 16 और कैरी रहेगी हमारे पास 1, 2 चौके 8 रह गया 0, फिर 2 दूनी 4 रह गया 0, फिर 2 एकम 2 और रह गया 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीचे से ऊपर मैंने बताया था आपको, तो 10001। तो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी 1001, ये हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे इस कैसे क्वेश्चन आया है। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर 1 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर 2 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है। और दोस्तों अभी ये देखिए, दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने कहा है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज, यानी कि 35 है इसका हमें बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो बाइनरी की वही बात आती है कि 35 को किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने 17 को डिवाइड किया था, तो वो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। आप देखो, सबसे पहले हम 35 को करेंगे, तो 35 ऐसे कर लिया हमने, बाइनरी है, बाइनरी मतलब होता है 2 बेस, यानी कि 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा 17 पे, 17 दूनी 34 और शेष रह गया हमारे पास 1, ठीक है। और फिर ये 17 की, अब ये देखिए हमारे पास ये 35 था, 35 का हमने कर दिया 17 कर दिया, और इसके बाद में ये जो है ये हमने आपको पीछे अभी दिखाया था, जस्ट अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने यहाँ पे दिखाया है ये सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा और शेष रह जाएगा हमारे पास 1, फिर 8 से करेंगे 2 8 16, फिर रह जाएगा 1, फिर 4 से करेंगे 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 और 0, और नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये सब करना, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड है, इसमें बस एक थोड़ी सी बड़ी डिजिट दे दी, उसी के रिलेटेड डिजिट दे दी। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरह का क्वेश्चन आया है। अब देखिए ये दिसंबर 2014 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर कहा है कि ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंबल ए टू एफ आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, दो वीडियो में, जो ए से एफ तक होते हैं तो वो किस में होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें 0 से लेके 9 तक होते हैं और ए से लेके एफ तक होते हैं, तो ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है अपना। तो कितना आसान, आप देख सकते हैं।
और ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी कर ही लिया, ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम और देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया 47। इसके अंदर इन्होंने 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। 25 डेसिमल नंबर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वही हम करेंगे। 25 यहाँ पे हमने लिखा और इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 12 पे, 12 दूनी 24, 1 रह गया, 2 छक्के 12, 0 रह गया, 2 तीये 6, 0 रह गया, 2 एकम 2 और यहाँ पे रह गया शेष। और फिर क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक हम इसे लिखेंगे, तो क्या आएगा, 1100 और 1, इस तरह से अपना आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान है। और अब हम और देखते हैं कि और इस तरह इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके अंदर 42 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर 47 था, इसमें 25 कहा है। इसमें इन्होंने 51 के बारे में कहा है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 48 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 11000 के है, तो डेसिमल नंबर 51 किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है, यानी कि 48 है वो 11000 बाइनरी नंबर के इक्वल है, तो 51 नंबर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें दोस्तों, आप ध्यान से देखना, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 25 किया था, और ये क्या है, ये एक स्टेप बढ़ा के इन्होंने दे दिया। अब देखिए हम इसे करके देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब 51 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 पे, 25 दूनी 50 शेष रह गया 1, फिर 12 दूनी 24 रह गया 1, यानी कि ये देखिए ये सारा का सारा हमारा पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। और पहले भी आपने देखा था कि 35 का किस तरह से रिपीट हुआ था, वो 17 वाला रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमने 25 को किया, 12 पे गया शेष एक रह गया। अब देखिए 12 को हम करेंगे, 2 छक्के 12, 0 रह गया, 2 तीये 6, 0 रह गया, 2 एकम 2 और 0 रह गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है हमारे लिए करना। और एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनसे कहीं ना कहीं मिलते जुलते रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया है, इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट्स के अंदर जो दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर 2 एस जो दिया है, इन द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शन पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू इज़ 0.625। दोस्तों इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन करके देखिए, अभी मैंने आपको जितने करवाए हैं आप खुद करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जनवरी 2017 के बाद में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया, और फिर सीधा डायरेक्ट 21 जून 2019 को ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। और ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसे देखिए। इसमें इसने कहा है कि व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया है और इसका हमें डेसिमल नंबर निकालना, वो हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें पहले ये देखना होता कि वो जो नंबर है वो किस में दिया है। यहाँ पे इन्होंने बाइनरी नंबर में दिया है, तो अगर बाइनरी हो तो हमें 2 बेस होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ऑक्टल हो तो 8 से। तो इसे हम बिल्कुल आसानी से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी जो डिजिट है वो सभी की सभी लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 और 0 यहाँ पे लिख ली, और फिर 2 की पावर लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 यहाँ पे हमने लिख ली। और अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पावर है पावर को कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर 1 होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 ये हो गया 2 हो गया दोस्तों, 2 की पावर 2 4 हो गया, और ये 2 की पावर
थ्री होता वैसे एट है, और एट को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही आएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये भी जीरो आएगा हमारे पास। और टू की पावर फाइव होता है 32 होता है दोस्तों हमारे पास, और टू की पावर सिक्स होता है 64 होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं, और इन सभी को प्लस करने के बाद हमारे पास दोस्तों जो आंसर आएगा वो 102 इसका आंसर आएगा 102, और 102 हमारे पास ऑप्शन नंबर एक में है। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसी में एक डिजिट फालतू दे देते हैं तो किसी में कम दे देते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप करने की कोशिश करना, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।